आज के वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अज्जू भाई के बारे में। तो टोटल गेमिंग ने जो अपना फेस्टिवल के बाद में फर्स्ट क्यू ने वीडियो रखा था, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं और उन्होंने इसी वीडियो में बताया और एक हैरानी वाली बात कही है। उन्होंने कोई भले ही मतलब कि 5 साल हो गए हो यूट्यूब पर, लेकिन उन्होंने मतलब कि 2022 में अपने घर वालों को बनाया कि वो एक यूट्यूबर भी हैं। तो टोटल गेमिंग ने ये भी बताया कि भले ही उनका चैनल का नाम टोटल गेमिंग है, बट वो फेस्टिवल से पहले फ्री फायर ही खेलते थे, लेकिन अब वो सभी गेम को ट्राई करने वाले हैं। साथ ही आपको पता होगा अज्जू भाई टोटल गेमिंग जो है नंबर वन एशिया के गेमिंग यूट्यूबर हैं, तो उनकी इनकम क्या है आप देखिए वो क्या बोले इस पर। 21 साल की एज में मैं काफी ज्यादा पैसे कमाता हूँ, ये बोलना झूठ रहेगा कि मैं कम पैसे कमाता हूँ, क्योंकि मैं एशिया का नंबर वन गेमर हूँ और तुम समझ सकते हो उस बात से कि कितना कमाता होगा। एक मिनट, यह आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि मैंने इसके मतलब पिछले महीने खरीदा था और मैं हर महीने बहुत सारे आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद सकता हूं। नेक्स्ट अपडेट है एलविश यादव के बारे में। तो एलविश यादव का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो अब इंस्टाग्राम पर शो नहीं हो रहा है, हम सर्च करते हैं तो वो नहीं दिखाई देता है। तो रिसेंटली उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट डिलीट हो चुका है और मैंने गूगल पर सर्च किया तो भी नहीं आ रहा है। तो लगता है किसी ने स्कैम करके उनका चैनल डिलीट कर दिया हो या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दी भी जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, बाकी वो ये इंस्टाग्राम का ग्लिच भी हो सकता है। टॉकिंग अबाउट, अब बात करते हैं एलविश यादव के फ्रेंड लव कटारिया के बारे में। तो क्या वो मतलब कि बिग बॉस में जाने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली एलविश यादव भारती जी से मिले थे और रिसेंटली भारती जी ने कुछ ऐसी बात कह दी। अब बिग बॉस में जा रहे हैं कटारिया साहब, जल्दी आप देखिएगा गाइस। सो बिग बॉस 18 में प्रभु इधर ये अपना भाई जा रहा है और ये लव स्टोरी चलाएगा और वो आगे तक चलेगा।